हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूं मानव शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर एंड हिंदी एक्सपर्ट उम्मीद करता हूं आप बेहद कुशलतापूर्वक होंगे बेहद खुश होंगे और अच्छे से अपने जीवन को एंजॉय कर रहे होंगे साथियों आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो टॉपिक है सततता यानी कि कंटिन्यूटी क्या कारण है कि कंटिन्यूटी को कहा जाता है जीवन में सफलता की अचूक मिसाल आज उसी पर इस वीडियो में हम बात करेंगे अभ्यास की ताकत हमें अब्राहम लिंकन से सीखने को मिलती है अब्राहम लिंकन अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं कि उनके पास इतना धनाभाव होता था कि वो अखबार भी सुबह सुबह पढ़ नहीं पाते थे अखबार के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे लेकिन लिंकन इससे घबराए नहीं लिंकन उन अखबारों को शाम को उन लोगों से ले लेते ले थे जो उनके पास पड़ोस के होते थे क्योंकि शाम के समय तक जाते जाते अखबार लगभग रद्दी हो जाता है और लोग उन्हें दे देते थे उस अखबार को वो पढ़ते पढ़ने के बाद उस अखबार से मुद्दों को छाँटते और ये सब करने के साथ अपना दिमाग चलाते और बाद में सबसे बड़ी आदत उनकी वो जो थी कि दो घंटे मिरर के आगे खड़े होकर के शीशे के आगे खड़े होकर के दो घंटे तक उन तत्कालीन मुद्दों पर अकेले भाषण देते थे महान लोगों को सुनने के लिए बहुत आते हैं लेकिन उनकी गरीबी में उनसे बात करने उनको गाइडेंस देने कोई नहीं आता वो स्वयं सेल्फ मोटिवेटर होते हैं इसलिए लिंकन अकेले सीशे के सामने खड़े हो जाते थे और खड़े होकर के भाषण देते थे कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो ये करूंगा मेरे अनुसार देश में व्यवस्थाएं ये होनी चाहिए और वो जो उनकी ताकत थी उसी ताकत ने साथियों भले ही वो लगातार अभ्यास करते करते बीच बीच में असफल भी हुए लेकिन उनका कंटिन्यू वर्क एक दिन उन्हें अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति की गद्दी दिलाई और आप सभी जानते हैं तो अमेरिका को पहला अश्वेत राष्ट्रपति मिला वो लिंकन जिसके घूमने पर जिसके आगे पीछे जाने पर लोग घड़ियों का टाइम मिला लेते थे कि लिंकन अब इधर से निकल रहे हैं तो इतने बज गए होंगे टाइम बाउंडेड वो लिंकन आज भी आदर्श है लेकिन उनके अभ्यास उनके मेहनत और उनके सतत कार्य को बहुत कम लोग अंदर से महसूस कर पाते हैं हम बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं हमें लगता है कि ये सब तो हम जानते थे लेकिन जानने मात्र से कुछ नहीं होता आप उसको कितना अपने अंदर समाये हुए हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है कोचिंग संस्थाओं में विगत कई वर्षों से अध्ययन कराने के उपरांत ये मैंने भी सीखा है कि जो भी विद्यार्थी केवल कंटेंट या टॉपिक पढ़ते हैं उसके बनस्पत वो विद्यार्थी ज़्यादा सफल होते हैं जिन्होंने उस दिए गए टॉपिक पर पूरी प्रैक्टिस की हो उदाहरण सीखे हों पुराने मॉडल पेपर बॉक टेस्ट वगैरह दिए हों वही सफल हो पाते हैं कारण कारण यह कि बिना अभ्यास के बिना कंटिन्यू वर्क के आपको पता नहीं होता कि आपके पास अंधेरा किस जगह है और वो अंधेरा जब छुपा रहता है तो सीधा परीक्षा हॉल में दिखाई पड़ता है यही कारण है कि आईएएस आईपीएस और दुनिया भर की तमाम जो एग्जाम्स हैं उनमें लिखित प्रैक्टिस करने वाले विद्यार्थी बार बार ये कहते हैं कि लिखना इतना रखो कि हाथ में दर्द होने लग जाए वो दर्द नहीं वो अभ्यास वो कंटिन्यूटी आपके लिए स्वर्ग की गद्दी दिलाने वाली चीज़ है उस दर्द को कभी भी भयानक रूप में मत लो ये निश्चित है कि प्रक्रियाएं हमेशा दर्दनाक होती है लेकिन उन प्रक्रियाओं में सतत मेहनत के पश्चात जब बड़े रिजल्ट आते हैं तो उसके बाद आपको वो वादसाह दिलाते हैं वही रिजल्ट जो शुरुआत में दर्दनाक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त हुए आपको इस दुनिया का सम्राट कहलाने का हक प्रदान करते हैं अगर अभ्यास नहीं है कंटिन्यू वर्क की क्षमता नहीं है तो ये जीवन मृत की तरह है एक तितली को देखिए जब वो अंडे से निकलती है कितना फड़फड़ाती है कितना तड़फड़ाती है अगर यही तितली फड़फड़ाए नहीं तड़फाए नहीं तो इसके वड़ी पार्ट्स एक्टिव नहीं होंगे अगर आपने इसको आराम से उस अंडे से निकाल दिया तो साथियों कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाएगी संघर्ष हमें उस अभ्यास के प्रति लेके जाते हैं और वो संघर्ष हमें कंटिन्यू जीत के प्रति आश्वस्त भी करते हैं कहा गया है ना रश्मि रथी में कि मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं मेहंदी को सुंदर ललनाओं का और सुंदर सारे लोगों का आशीष मिलता है हाथ मिलता है लेकिन उससे पहले उससे पहले साथियों उसी मेहंदी को कूटा जाता है उसी मेहंदी को पहले बहुत बुरी हालात में दोचा जाता है जाकर के उसके अंदर से वो रंग प्रस्फुटित होता है और सुंदर ललनाओं का हाथ उसे मिलता है फूल भी राजा महाराजाओं के गले तक जाते हैं लेकिन उससे पहले उसके अंदर से सुई निकाल करके उसकी माला बना दी जाती है यानी कि बिना संघर्ष और बिना मेहनत के बिना अभ्यास के आप आगे नहीं बढ़ सकते इसीलिए तो कहता हूं कि बार बार नए संकल्प मत पालो पुराने संकल्पों को, को पहले पूरे करो नया टाइम टेबल मत बनाओ पहले पुराने को फॉलो करो कुछ समय तक उस पर टिको फिर सुधार की गुंजाइश हो तो नया बनाओ क्योंकि बार बार समय मिलने वाला नहीं है जो मेहनत करी तेरा पैसा रहेगा ना रेशम सही तेरा रेसा रहेगा जो कुछ है करना अभी आज कर ले तो क्या सोचता है हमेशा रहेगा नहीं